हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू learner.com। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आपको सुजुकी फ्रॉन्क्स या फिर टोयोटा रोमियोन में आने वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो हम लोग इसमें आपको बताएंगे हर एक वो ऑप्शन जो आता है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बटन्स की। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है ये 9 इंच का फ्लोटिंग टाइप इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आता है आपके टॉप वेरिएंट के अंदर, और नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको मिलता है 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं क्या क्या बटन्स इसके अंदर मिलते हैं आपको। तो बटन्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं, टच बटन्स हैं। तो यहाँ से आप म्यूट कर सकते हैं, ये वॉल्यूम के बटन्स हैं, प्लस एंड माइनस। होम स्क्रीन पर आने के लिए आप इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं, वहीं कॉल पिक करने के लिए आप इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही मीडिया का जो सोर्स है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप AM, FM, DRM, Bluetooth, USB ये सब आप यहां से सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके अलावा यहां पर आपको वॉइस असिस्टेंट का बटन दिया गया है, तो आप इसको यहां से प्रेस कर ऑपरेट कर सकते हैं और वॉइस कमांड्स का प्रयोग कर सकते हैं। Hi, what can I do for you? Tune to FM 92.7. Tuning to 92.7 FM. तो इस प्रकार से आप चाहें तो वॉइस असिस्टेंट का प्रयोग यहां से कर सकते हैं। साथ ही यहां पर पावर ऑफ का स्विच भी दिया गया है। अब चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इसके होम स्क्रीन की। तो होम स्क्रीन में आपको लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर व्हीकल इन्फो करके ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ से इस पोर्शन को आप स्क्रॉल कर सकते हैं अप एंड डाउन कुछ इस प्रकार से, और आप डिफरेंट काइंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ स्क्रीन्स यहाँ पर मिलती है। तो टॉप मोस्ट स्क्रीन पर आपको मिलती है फ्यूल इकोनॉमी और साथ ही रेंज, जो करंट फ्यूल के अकॉर्डिंगली कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल सकती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सेकंड स्क्रीन जो स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड और करंट ड्राइव टाइम वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। तीसरे स्क्रीन पर आपको जो है वो एनर्जी फ्लो मॉनिटर यहाँ पर दिखाई देता है। तो क्योंकि ये गाड़ी माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है, तो आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम का बैटरी कितने परसेंट चार्ज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, और साथ ही करंटली जब भी ये सिस्टम सपोर्ट करेगा तो आपको वो सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। और लास्ट में यहाँ पर आपको व्हीकल इन्फो के डैशबोर्ड का शॉर्टकट दिया गया है, इसे प्रेस कर आप सभी चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर देखी थी वो आपको एक ही डैशबोर्ड के अंदर देखने को मिलेगी। अब वापस बढ़ते हैं होम स्क्रीन की ओर। उसके अलावा बीच में यहाँ पर आपको मिलता है डेट एंड टाइम का ऑप्शन, तो यहाँ से आप चाहें तो क्लिक कर भी सेटिंग्स में जा सकते हैं। तो सेटिंग्स को हम एक एक करके डिटेल में एंड में देखेंगे। उसके अलावा राइट हैंड साइड पे जो करंट मीडिया प्ले हो रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार अभी FM 1 सेलेक्टेड है, तो आप चाहें तो यहाँ से मीडिया सोर्स को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहीं से ही FM चैनल जो करंटली है, या फिर अगर USB प्ले हो रही है तो आप ट्रैक्स को भी यहां से चेंज कर सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए आपको स्टेयरिंग व्हील पर भी लेफ्ट हैंड साइड में कंट्रोल्स दिए गए होते हैं। तो यहां से आप चाहें तो ट्रैक को आगे पीछे कर सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और मोड बटन के थ्रू आप सोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक म्यूट का बटन भी आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा राइट हैंड साइड पे आपको ब्लूटूथ इन्फॉर्मेशन दिखती है, तो जो भी फ़ोन करंटली कनेक्टेड होता है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेम वे में आप यहीं से चाहें तो कनेक्ट पर क्लिक कर ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को पेयर कर सकते हैं और उसे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको नीचे यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले है फेवरेट। तो फेवरेट में आप कोई भी एक पर्टिकुलर स्क्रीन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब आप उस बटन को क्लिक करें तो वही आपको सामने दिखाई दे। जिस प्रकार अगर आप मान लीजिए डिस्प्ले सेटिंग्स को एज अ फेवरेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप जब भी इसे क्लिक करेंगे तो आपकी डिस्प्ले सेटिंग्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। उसके अलावा अगेन यहां पर आपको पेयर डिवाइस और कनेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, और सेम ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिलता है। वहीं एंड में आती हैं सेटिंग्स, जिन्हें हम आपको डिटेल में एंड में इस वीडियो के एंड में आपको समझाएंगे। ऊपर यहाँ पर आपको करंट टाइम देखने को मिलता है, और इसी को अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ से आपको क्विक एक्सेस हब जो है वो एक्सेस हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं, जिस तरह की सिस्टम बीप को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। साथ ही टाइम के फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं, 24 आवर्स या 12 आवर्स फॉर्मेट।
वाईफाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जो कि वायरलेस एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। साथ ही ऑटो डे एंड नाइट को भी यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर कुछ शॉर्टकट्स अगेन दिए गए हैं, जिसमें कि मीडिया सेटिंग्स, डेट एंड टाइम सेटिंग्स। साथ ही अगर आपकी जो यूएसबी ड्राइव है उसमें अगर वीडियो स्टोर हैं तो आप चाहें तो यहां से वीडियोज़ को प्ले कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेन ड्राइव का प्रयोग करना पड़ेगा। और साथ ही फ़ोन कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन भी यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे उस समय पर आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। वहीं लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसे स्वाइप करें तो यहां पर आपको इमेजेस दिखती हैं, जिन्हें आप वॉलपेपर के तौर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एक रैंडम इमेज, मान लीजिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे आप इस ऑप्शन के द्वारा अपने वॉलपेपर पर सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कॉल टू कॉन्टैक्ट और पेड डिवाइस एंड यूएसबी फोटोज, ये तीन ऑप्शन और यहां पर देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं फाइनली सेटिंग्स की ओर, जिसमें आपको सबसे ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो सेटिंग्स के अंदर जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करते हैं, नीचे मेजरली चार कैटेगरीज में सेटिंग्स यहां पर दी गई हैं, जिसमें आपको सिस्टम सेटिंग्स, मीडिया सेटिंग्स, कनेक्टिविटी सेटिंग्स और आखिर में व्हीकल इन्फो सेटिंग यहां पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग सिस्टम सेटिंग की ओर, जिसमें कि आप डिस्प्ले से रिलेटेड सेटिंग्स को यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एवं वॉलपेपर सब यहां से सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके अलावा डेट एंड टाइम को सेट करने का ऑप्शन यहां पर दिया गया है, यहां से आप टाइम जोन और टाइम का जो फॉर्मेट है वो यहां से चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज का ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिलता है, तो इसमें केवल आपको हिंदी व इंग्लिश दो ऑप्शंस यहां पर मिलेंगी, जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कीपैड को लॉक कर सकते हैं ड्राइविंग के दौरान, और अपने जो कंट्रोल्स को स्टीयरिंग के थ्रू भी स्टीयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में यहां पर आपको तीन ऑप्शंस और मिलते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी के अंदर आप चाहें तो यहां पर आप एक पिन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। उसके अलावा वेलकम मैसेज यहां पर दिया गया है, तो आप एक कस्टम मैसेज जो है वो यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपकी गाड़ी ऑन होगी ये पर्टिकुलर मैसेज आपका प्ले होता है। तो एज पर टाइम गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग यहां से आप इसको सेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपना नाम भी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्लिक कर अपना नाम टाइप कर सकते हैं, तो एज पर टाइम ये गुड मॉर्निंग के बाद आपका नाम भी प्ले करता है। और लास्ट में दी गई है क्विक गाइड, जिसके अंदर आपको कुछ सेटिंग्स और मेन्यू ऑप्शंस का ट्यूटोरियल यहां पर दिया गया है। उसके बाद आते हैं अब मीडिया सेटिंग्स के ऊपर। मीडिया सेटिंग्स में सबसे पहले आपको मिलेगा ऑटो साउंड लेवल एडजस्टमेंट, जिसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सराउंड सेंस के अंदर आपको तीन टाइप का ऑडियो ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आप डायनामिक, अकोस्टिक और नेचुरल, ये तीन ऑप्शंस यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बैलेंस फेडर में आप स्पीकर्स की पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं कि साउंड आपको किस प्रकार से चाहिए। साथ ही इक्वलाइजर्स यहां से आप सेलेक्ट कर पाएंगे, तो आप प्रीसेट इक्वलाइजर यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो मैन्युअली भी इक्वलाइजर्स को यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वॉल्यूम के अंदर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्यूम यहां पर सेलेक्ट करने के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें अगर इनकमिंग कॉल आती है उसके लिए रिंगटोन का अलर्ट और इस प्रकार की सभी जो वॉल्यूम्स आप यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर इसमें आपको मिलता है स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल। तो इसमें आप अगर इसे ऑन कर देते हैं तो आपको लो, मीडियम, हाई तीन ऑप्शंस मिलते हैं। तो एज पर स्पीड जो है आपकी वॉल्यूम वो चेंज हो जाती है। तो जब आपकी गाड़ी ज्यादा तेज स्पीड पर चलती है तो अकॉर्डिंगली वॉल्यूम उस हिसाब से बढ़ता जाता है, और लो स्पीड पर आने पर वॉल्यूम है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती है। उसके अलावा AM और DRM को आप यहां से एक्टिवेट कर सकते हैं, ये रेडियोस के पुराने फॉर्मेट हैं, तो इन्हें आप यहां से चाहें तो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, जो कि है कनेक्टिविटी ऑप्शन। ये आपको देगा सभी फोन कनेक्शन से रिलेटेड ऑप्शंस। तो यहां से सबसे पहले आप चाहें तो अपने डिवाइस को पेयर कर सकते हैं पेयर डिवाइस लिस्ट के थ्रू, यहां से आप डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके फोन से रिलेटेड सेटिंग्स यहां पे मिलती हैं आपको। तो सबसे पहले है मैसेज सेटिंग, जिसमें कि इनकमिंग मैसेज का नोटिफिकेशन आपको आए। साथ ही ऑटो रिप्लाई को अगर आप ऑन करते हैं तो जब भी आप कॉल को रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट SMS क्या जाए जो भी रिसीवर है उनके पास, तो आप यहां से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके अलावा कॉन्टैक्ट इमेज जो है वो डिस्प्ले हो उसके लिए ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। कॉन्टैक्ट्स को सॉर्ट करना चाहते हैं फर्स्ट नेम या लास्ट नेम के अकॉर्डिंगली वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अपने इन्फोटेनमेंट सिस्टम का नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं फाइनल सेटिंग्स जो कि है व्हीकल इन्फो सेटिंग्स का। तो यहाँ पर आप अलर्ट नोटिफिकेशंस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और अलर्ट नोटिफिकेशन कौन कौन से जो आपको डिस्प्ले हो इन्फोटेनमेंट सिस्टम पे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार व्हीकल वार्निंग, डोर ओपन, पार्किंग ब्रेक, सीट बेल्ट, इस प्रकार की सभी व्हीकल अलर्ट्स आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और साथ ही व्हीकल जो है वो अलर्ट्स जो आएंगे वॉइस प्रॉम्प्ट के साथ आए। जिस प्रकार अगर फ्यूल लेवल लो है तो वो आपको बोलकर बताए कि फ्यूल लेवल इज लो, तो आप वो यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये थी सभी सेटिंग्स और अब वापस हम आते हैं होम स्क्रीन पर। तो ये था इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो कि आता है आपकी सुजुकी फ्रॉन्क्स या फिर टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर के अंदर। और अगर आप चाहें कुछ और जानकारी इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इस प्रकार की और बहुत सारी वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हाय।